हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइटिका के लिए महत्वपूर्ण दो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आप सभी लोग देखिए ये कैसे की जाती है। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को वॉल पे टच कर दीजिए, ठीक इस तरह से, और फिर उसके बाद जो आपका राइट लेग है उसको फोल्ड करके थाई पर रख दीजिए। अब अपने हाथ से उसको बाहर की तरफ पुश कीजिए। कैसे पुश करना है ये देखिए, आप हाथ रखिए और धीरे धीरे इसको पीछे की तरफ पुश कीजिए। ऐसे स्ट्रेचिंग फील हो रही है? हाँ, अगर स्ट्रेचिंग फील हो रही है तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं, आपको थाई पे स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। हाँ, बाहर की तरफ अच्छे से पुश कीजिए, ए ऐसे। हाँ, ये केवल साइटिका के ही लिए नहीं, अगर आपके थाई में पेन है, नी में पेन है, काफ में पेन है, ये लेग पेन के लिए, साइटिका के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। बस इसको आपको ध्यान से करना है, नी पे हाथ रख के आपको बाहर की तरफ पुश करना है, आपको स्ट्रेचिंग फील होगी, उसके बाद आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। ये आप ईच लेग से 5-5 टाइम्स कर सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, पीछे की तरफ पुश करना है, यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेग चेंज करो, सेम यही प्रोसेस है दूसरे लेग से भी, ये वेरी गुड। हाँ, 1, 2, बहुत अच्छे, 3, हाँ, आपको खुद आराम लगेगा। आप अगर इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ही आराम फील होगा। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल दीवार के पास आ जाइए, पैर ऊपर उठाइए जितना आप दीवार से, हाँ थोड़ा सा और आगे आओ, बिल्कुल दीवार के पास आ जाओ जितना आ सकते हो, पैर सीधा करो और आगे आओ, बिल्कुल दीवार के आगे आ जाओ जितना आगे आ सकते हो। हाँ, बहुत अच्छे। अब अपने पैर को अपने फेस की तरफ फोल्ड कर लो, अपने फेस की तरफ झुकाओ इसको। हाँ, 10 सेकेंड तक इसको अपने फेस की तरफ, ये ऐसे। अब आपके काफ में स्ट्रेचिंग होगी, पूरे लेग में स्ट्रेचिंग होगी, आपकी जो नसें हैं, वेंस हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको आप 5-5 टाइम्स कर सकते हैं, पहले 5 टाइम अपने फेस की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, यस, बहुत अच्छे। हाँ, करिए डाउन, ये वेरी गुड। हाँ, ऐसे फेस की तरफ, बहुत अच्छी,